हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे लगातार सीरीज पूरा देख रहे हैं, डेली सुबह 9 बजे वीडियो आ रही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट की थी कंप्यूटर। उसमें अपने आपको बताया था कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, इसके गुण क्या है यानी विशेषताएं क्या है, ये सारी चीजें। और फिर हम लोग पहुंच गए थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दो होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल, ठीक है सर। तो आज हम लोग हार्डवेयर के अंदर सेंट्रल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल वाले क्लास में हम लोग पेरिफेरल पढ़ेंगे और उसके अगले में हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं सेंट्रल के बारे में। तो सबसे पहले हमने लिख दिया हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, ठीक है भाई। पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर की बात करें तो भैया हार्डवेयर के पार्ट क्या है भैया, पहला तो अपने पास कौन सा है, सीपीयू यानी सेंट्रल है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक भैया। यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस द्वारा कंप्यूटर को दिए गए सभी निर्देश सीपीयू में जाते हैं और इसमें प्रोसेसिंग होती है। अब ये इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, मान लिया हमने कीबोर्ड में कुछ लिखा, तो कीबोर्ड जिससे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो कीबोर्ड हो गया इनपुट, कहां जाएगा सीपीयू में, सीपीयू क्या करेगा प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। सीपीयू द्वारा दी गई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस की ओर फ्लो करती है जहां हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस से हमने डेटा दिया, सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई और हमें मिल गया आउटपुट डिवाइस से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मान लिया एक बेसिक आपको बता देते हैं, मान लिया हमने टाइपिंग की, ठीक है, तो ये इनपुट है, सीपीयू के अंदर गया, प्रोसेस हुआ, प्रिंटर से हमें कॉपी मिल गई, तो प्रिंटर से जो मिला तो प्रिंटर क्या हो गया आउटपुट हो गया। माउस से क्लिक कर रहा है, माउस से हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन है, तो माउस इनपुट हो गया, यानी जहां से हम लोग चीजों को देंगे वो इनपुट है और जहां से मिलेगा वो आउटपुट है। फिर देखिए ALU, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, अब ये सारे पार्ट है किसी के, किसके पार्ट है, इसी के, सीपीयू के पार्ट है। तो भैया लीजिए पार्ट, ALU का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू के इस पार्ट में सभी गणितीय संक्रियाएं और लॉजिक डिसीजंस होते हैं, यानी जितने भी लॉजिक डिसीजंस होते हैं, जितनी भी गलतियां मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये थोड़ा सा ज्यादा हिंदी लिख दी है, एक्चुअल में हम नहीं लिखते लिखवा लेते हैं, तो कुल मिला के इसका मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के इस पार्ट को प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक रैम एक रोम, सबको पता है। जैसे सर ये हमारा फोन ही है, मान लिया इसकी रैम कितनी, 8 GB रैम है और 128 रोम है सर, तो इसका मतलब रैम रोम दो होती है चीजें। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है, इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में स्टोर्ड मेमोरी नहीं बोलते हैं, हिंदी में मेमोरी इंग्लिश में मेमोरी, ठीक है सर, में स्टोर्ड डेटा इंफॉर्मेशन तब तक सेव रहता है जब तक सप्लाई बनी रहती है। कंप्यूटर बंद होने पर डेटा समाप्त हो जाता है, यानी रैम का काम क्या है, जब तक फोन ऑन है चल रही है, उसके बाद रैम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सारी चीजें स्टोर कहां रहेंगी, रोम में, ठीक है। जैसे 128 इसकी रोम है तो उसमें 128 स्टोरेज है एक तरीके से, ठीक है सर। तो रोम का रीड ऑनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें स्टोर्ड डेटा पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में भी बना रहता है। अगर मेरा ये फोन स्विच ऑफ भी हो जाए कंप्यूटर, तब भी हम फोन ऑन करेंगे सारे का सारा डेटा हमारा मिल जाएगा, तो वो कहलाएगी रोम सर, ठीक है। फिर सीपीयू का एक और पार्ट होता है सीयू, सीयू माने कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है सर। तो ये अभी हम लोग सबसे पहले कहां पहुंच गए हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेंट्रल। कल हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल्स के बारे में और अगले क्लास में बात होगी सॉफ्टवेयर के बारे में। ये केमिस्ट्री है सर, केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 7 कंप्यूटर हम लोगों ने स्टार्ट की है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। आप नोट्स बनाते चलिए, सारी चीजें आपको यहां पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी अगर पहली बार देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर स्टार्टिंग से देखिए और अपने काम को पूरा कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियोस में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।